ओम श्री परमात्मने नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 20 और 21। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधाग्नि को वडवानल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना और शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका, दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोगों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणित कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाडव शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोक हित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने, मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य रूप का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्रह्मन, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा। तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ यह बात। भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश वहाँ गया और इस अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधर, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो वाडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरित्पते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम प्रयत्नपूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरा ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप वडवानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह वडवाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र की इस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे मदन, दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया, वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गईं, यह सब मुझे बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया तब वहाँ महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख
भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर को चली गईं। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचे। वे फिर हाथ से उसकी दोनों ओर आंखें पोंछ कर बोले, शिवे डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रुद्र की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचित मात्र भी मुझ सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जप किया करती थी। शिव शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास ही पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देवर्षि तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया, किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा कि शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आ, उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो, उससे सादर यह वचन सत्य बोले। नारद जी ने कहा, कालिके तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हट पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभो आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की
आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधिपूर्वक उपदेश किया, साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बतलाया। नारद, तुम बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधिपूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आँखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, शौच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपर्युक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।